वाह, इतना सारा फैन मेल, दिस इज माय फेवरेट थिंग टू डू। मुझे आपके भेजे हुए लेटर्स और कार्ड्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। अब ये सारे कार्ड्स और लेटर्स तो आसानी से इस बॉक्स में फिट हो जाएंगे, लेकिन क्या एक बॉक्स एक कार्ड के अंदर फिट हो सकता है? यू डोंट थिंक इट्स पॉसिबल? चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए माउंट बोर्ड, चार्ट पेपर, फेविकॉल, ओएचपी मार्कर, थिक मार्कर, पेंसिल, इरेजर एंड सेफ्टी सीजर्स। तो सबसे पहले बनाएंगे एक बॉक्स, जिसके लिए चाहिए एक कलर चार्ट पेपर। ये एक स्क्वायर है जो मैंने माउंट बोर्ड का कट किया है। इसको हम लेंगे हमारी बेसिक मार्किंग के लिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं ये गैप छोड़ रहा हूँ, उसके बाद इस एग्जैक्ट स्क्वायर की मार्किंग लेंगे। ये आ गई दूसरी साइड और ये आ गई बॉक्स की फोर्थ साइड। और जिस तरीके से यहाँ पर मैंने ये एक एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे छोड़ा था, उसी तरीके से इन चारों साइड्स के ऊपर भी हमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप छोड़नी है। उसके बाद आपको इसे क्लीनली कट करना है। जब आप इसे कट कर लेंगे तो वो इस तरह दिखेगा। और यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड जो है, इस पार्ट को हमें कट करके निकालना है। जब आप इसे कट कर देंगे तो ये ऐसा दिखेगा। अब आपको इसे इन लाइंस पर क्लीनली फोल्ड करना है। ये आपकी क्रीज लाइंस होंगी। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको भी हम फोल्ड करेंगे। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। बॉक्स में ये एक्स्ट्रा पीसेस छोड़े हैं, उन्हें आप बाहर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और फिर जो बॉक्स की ये साइड्स बची हैं, जिन पे ये एक्स्ट्रा फ्लैप्स नहीं है, उनमें हम सेंटर में एक फोल्ड देंगे। ये फोल्ड मैंने इसलिए किए हैं कि जब हम इसे कार्ड के अंदर फिट करेंगे तो कार्ड जब बंद होगा तो ये बॉक्स जो है इस तरीके से फ्लैट हो जाएगा, और जब कार्ड खुलेगा तो ये फ्लैप्स जो है वो इस बॉक्स को पुल करेंगे और बॉक्स अपनी शेप में ऐसे वापस आ जाएगा। एक और चार्ट पेपर लेंगे और चार्ट पेपर का साइज जो है वो हमारे माउंट बोर्ड के साइज का होना चाहिए। चार्ट पेपर को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि हमें उसका सेंटर मिल जाए। ये आ गया सेंटर। आपको ध्यान रखना है कि चार्ट पेपर का जो ये सेंटर है वो आपके बॉक्स के सेंटर के साथ मैच करे। जो हमारा माउंट बोर्ड है के पीस को हम प्लेस करेंगे ठीक सेंटर में और दो मार्क लेंगे। यहां पे हमें कट करके स्लिट्स बनानी है। इस बॉक्स के फ्लैप को इस स्लिट में इस तरह से फिट करेंगे। यहां पे स्लिट चिपक गई है। अब अगर मैं इसे बंद करता हूं तो बॉक्स इस कार्ड में इस तरीके से फ्लैट होके फिट हो जाता है, और जब इसे मैं पुल करता हूं तो बॉक्स जो है वापस से खुल जाता है। इस चार्ट पेपर को इस माउंट बोर्ड पे चिपकाएंगे। जब आप माउंट बोर्ड को चिपका रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बीच में थोड़ा गैप छोड़ना है ताकि खुलने में आसानी हो। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी चिपका लेते हैं। और जब ये चिपक जाएगा तो ये आसानी से इस तरीके से खुलेगा। Isn't that cool? तो इसके टॉप के लिए भी यहाँ पे मैंने चार्ट पेपर का एक पीस कट किया है जिसका साइज स्क्वायर के बराबर है, और इसके दोनों तरफ मैंने यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पीस छोड़ा है यानी फ्लैप्स। इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे। आपको ध्यान रखना है जहां पे फ्लैप्स नहीं है वहां से इसे ऐसे हमें फोल्ड करना है ताकि ये दोनों फ्लैप्स यहाँ पे ऐसे मीट हो। इसको चिपकाते हैं। अब दूसरे फ्लैप को चिपकाना थोड़ा ट्रिकी होता है, फिर इसे फोल्ड करेंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि सारे पीसेस अच्छे से चिपक जाएं। खोल के देखते हैं। तना, तो देखा आपने किस तरीके से हमने एक बॉक्स को एक कार्ड के अंदर फिट कर दिया। अब इस बॉक्स को और इम्प्रेसिव बनाने के लिए आप इस पे कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। मैं इसको बनाने वाला हूं एक डिलीवरी कार्टन, तो इसको रख देते हैं अच्छे से सूखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने हमारे बॉक्स के लिए एक एड्रेस प्लेट
और उसके पीछे की साइड के लिए एक स्टैम्प बना लिए, इसको हम अपने फाइनल बॉक्स पे चिपका देंगे। चिपकाने के बाद इसको प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से चिपके, और चिपकने के बाद ये हो गया है हमारा बॉक्स एकदम तैयार। आप देख रहे हैं कि जब कार्ड को हम बंद करते हैं तो ये बॉक्स फोल्ड हो जाता है, और जब खोलते हैं तो वो इस तरह से पॉपअप होके वापस एक बॉक्स बन जाता है। और यहाँ पर तो मैंने एक डिलीवरी बॉक्स बनाया है, लेकिन आप चाहें तो जो भी बॉक्स बना सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें जिनकी शेप एक बॉक्स की तरह होती है, जैसे टीवी या फिर कंप्यूटर, तो आप खुद बनाइए और अपने फ्रेंड्स को भेजिए एंड सरप्राइज देम विद दिस बॉक्स पॉपअप कार्ड।